काफ़ी कंटेनर बनी है और आलू के कंटेनर को हम लेकर चल गए हैं ग्रेन स्टोर पर। मैं तो बहुत अधिक डिमांड हुआ अनाज की, तो अभी अभी कॉल आया हमारे पास कि यहाँ पर जल्दी से आलू की सप्लाई करो, आलू की बहुत अधिक डिमांड है। तो हमने अपने कंटेनर को तो एक स्पीड में लेकर चलें और ये आपको दिखा दें जो जगह पहले भी हम आ चुके हैं। सिर्फ फॉर्म है फिलहाल, ये सिर्फ फॉर्म हमने खरीद रखा क्योंकि इतना इंप्रेशन नहीं मेरे पास कि हम ये सिर्फ फॉर्म चला पाए। एक बार पहले भी चलाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं चला पाए थे, तो हमने उनको छोड़ दिया। अब जब हमारे पास थे तो दिखे थे जंगे हम खेल कर दूसरी पाएंगे तब चलाएंगे। ओके यार, वन सिंगल हाईवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सामने को जब भी गाड़ी आती है तो इतने बाहरी कंटेनर को नीचे उठाना पड़ता है और इसके नीचे कार को चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता कि पीछे आलू से गिरा हुआ है। एक तो वैसे समझ नहीं आ रहा कि ट्रैक्टर को ये ट्रॉली चला रही है या हम चला रहे हैं, क्योंकि जब भी दबाव में आती है ना तो ये जो ट्रॉली पीछे से ट्रैक्टर को दबाव बनाती है इसे ट्रैक्टर आउटपुट कंट्रोल होता है और जो एक्सीडेंट है उसकी संभावना होती रहती है। तो हम आ चुके हैं अपने जो ग्रीन हाउस है और सामने वो देख सकते हैं कॉटन कॉटन रखी हुई है उससे। वो लास्ट टाइम हमने बताया कि कॉटन हम सेल नहीं कर पा रहे। और ये देखो ग्रीन हाउस पर बहुत अधिक डिमांड थी तो हमने यहाँ कंटेनर लगाया और अपने प्रोडक्ट को सेल किया। तो बहुत बड़ा कंटेनर है तो बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। अब देख सकते हैं कितने दूर से हम कंटेनर लेके आए और बहुत अधिक पैसे भी मिले हमें। तो इतने दूर लाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि पैसे बहुत अधिक मिलते हैं। तो ट्रॉली खाली हो चुकी है, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे वापस जो अपनी फील्ड है उसकी तरफ। हम अपने घर के पास जा चुके हैं और ये देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर इस साइड जो फिलहाल लेके लगा हुआ फील्ड में। तो आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपके